ठीक है, अभी इसको देख लेते हैं हम लोग कैसे डाउनलोड करेंगे। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे डाउनलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमारा सारा का सारा एक्टिविटी डाउनलोड हो चुका है। सो हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं गाइस कोर्स हीरो के बारे में। बेसिकली कोर्स हीरो में काफी ज्यादा वहां पे हम लोग कोर्सेज मिल जाता है, बट वो क्या होता है कि मैक्सिमम कोर्स हमारा मतलब 100% कोर्स हमारा वहां पे पेड रहता है। सो गाइस, आज हम लोग वही देखने वाले हैं कि हम लोग कैसे वो उस पेड कोर्स को या फिर किसी भी पेड कोर्स को हम लोग कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप मेरे को जानते हैं, मैं हूं आकिब रहमानी और आप देख रहे हैं वेबटेक। तो चलिए मैं लेके चलता हूं आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। सो लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट गाइस, तो जैसे कि अभी हम लोग डिस्प्ले पे आ चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि हम लोग आ जाते हैं अपने ब्राउजर पे और यहाँ पे हम लोग कैसा कोर्स हीरो सर्च कर लेते हैं। ऑलराइट, coursehero.com पे मैं आ चुका हूँ। सो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरीके से रहता है और यहाँ पे काफी स्कूल के हिसाब से कोर्सेज और भी बहुत सारे हिसाब से, यहाँ पे यूनिवर्सिटी के हिसाब से क्वेश्चन कोर्सेज हर एक चीज यहाँ पे हम लोग को अवेलेबल रहता है। यहाँ तक कि हमारे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर वगैरह भी अवेलेबल रहता है यहाँ पे। ऑलराइट, इस तरीके से इस हम लोग मेथड से मतलब कि इसको यूज करके कोर्स हीरो का हम लोग काफी अपनी स्टडी स्किल को ग्रो कर सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पे मैं इसलिए इस वीडियो को क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि काफी ज्यादा हमारे सब्सक्राइबर व्यूअर्स लोग को हो रहा था इशू के मेरे को कोर्स हीरो का कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सो गाइस देखिए, यहाँ पे हम लोग का जो भी स्टेप रेडी स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे लॉग इन कर लेना है। जो भी आपका अकाउंट रहता है आप उससे सिंपली यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई भी अपने रैंडम अकाउंट से लॉग इन कर लेता हूँ। तो इस तरीके से गाइस हम लोग कुछ लॉग इन हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज हमारा क्या है, यहाँ पे क्या ट्रिक मैं यूज करने वाला हूँ। देखिए अभी सपोज कि यहाँ पे देखिए डायरेक्टली पेमेंट का बोल रहा है, एनुअल है, मंथली है, ठीक है। तो अभी हम लोग कैसा, सिर्फ हम लोग coursehero.com पे ही रहेंगे विथ लॉग इन। ऑलराइट, अभी हम लोग लॉग इन हो गए। अभी यहाँ पे हम लोग कुछ भी कोर्स सर्च कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ कि मैं यहाँ पे डेटाबेस का सर्च कर लेता हूँ, व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए, अभी मैं सिंपली यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन मेरे को यहाँ पे मिल रहा है, व्हाट इज डीबीएमएस, ठीक है, ब्रीफली डिस्क्राइब, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे अगर हमको डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, इन सारे क्वेश्चंस का डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, तो कुछ इस तरीके से हम लोग को यहाँ पे मिल जाता है, जो कि अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा ब्लर हो करके, ठीक है, एक्सेस हम लोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम लोग के पास प्रीमियम नहीं है। ऑलराइट, तो देख सकते हैं कि सारा का सारा डॉक्यूमेंट अभी हमारा क्या है कि हमारा लॉक हुआ है। अभी इसको हम लोग कैसे अनलॉक करेंगे, ठीक है। तो देखिए, इसको अनलॉक करने के लिए हम लोग कुछ दो स्टेप का यूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे विकिपीडिया पे आ जाएंगे, ठीक है। ये तो 100% लोग जान रहे होंगे विकिपीडिया को, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कुछ लेटेस्ट न्यूज है भाई, तो उस हिसाब से यहाँ पे कुछ हम लोग यहाँ पे आर्टिकल हम लोग को देखने के लिए मिल जाता है। सेकंड चीज हम लोग क्या करेंगे गाइस, मैं आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा, आर्टिकल स्पिन्स करके एक के वेबसाइट मिल जाता है हम लोग को, आर्टिकल को डाल देंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग कोई भी यहाँ पर आर्टिकल उठा लेते हैं। कुछ इस तरीके से मैं आर्टिकल को कॉपी कर लिया और सिंपली मैं यहाँ पे आकर के पेस्ट कर दिया। ऑलराइट, अभी यहाँ पे कैसा है, हम लोग को इंग्लिश में चाहिए, वेरीफाई इमेज कर लेते हैं हम लोग फटाफट। सो गाइस, जैसे कि अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं सिंपली जो भी हमारा यहाँ से आर्टिकल में कॉपी किया है, किसी भी आप टॉपिक से कॉपी कर सकते हैं यहाँ पे आर्टिकल्स को, और देखिए यहाँ पे सिंपली मैं पेस्ट कर दिया। और पेस्ट करके हम लोग कैसा है, यहाँ पे जो भी हमारा वेरीफाइड था ये डालने का इनपुट, वो मैं डाल के यहाँ पे स्पिन पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैं स्पिन पे क्लिक करता हूँ गाइस, तो कुछ इस तरीके से हमारा क्या है कि यहाँ पे आर्टिकल स्पिन हो चुका है। अभी मैं क्या एक्सपोर्ट टू वर्ड में कर दूंगा, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा वर्ड में एक्सपोर्ट हो चुका है, ठीक है। आप यहाँ पे सिंपली करना क्या है कि वापस से आपको ऐसा रीस्पिन करना है, ठीक है, और वापस से आप लोग को डाउनलोड करना है, ठीक है। ऐसा आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 10 बार करना है। इससे क्या होता है गाइस कि कभी भी आपका जो डॉक्यूमेंट का मतलब कि कंटेंट है वो मैच नहीं करेगा, ठीक है, और वहां पे हम लोग इजीली अभी अनलॉक कर पाएंगे इस हेल्प से, इस ट्रिक के हेल्प से।
तो यहाँ पे मैं सिक्स कर चुका हूँ। वापस से हम एक बार स्क्रीन यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे रीस्क्रीन, एक्सपोर्ट, रीस्क्रीन, एक्सपोर्ट, रीस्क्रीन, एक्सपोर्ट। सो गाइस मेरा आई गेस कि यहाँ पे हमारा 10 हो चुका है, 9 तक हुआ है, तो चलिए इसको फटाफट हम लोग 10 कर रहे हैं, रीस्क्रीन करके एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। अभी ये हमारा टॉपिक क्या था, ठीक है, तो टॉपिक हमारा ये था, ठीक है ना, जो भी हमारा आर्टिकल का टॉपिक बेसिकली ये था। तो देखिए अभी हम इसको क्या करते हैं कि अपने फोल्डर पे शो करा देते हैं, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम लोग इस पूरे को पहले डॉक्यूमेंट को उठा करके अपने डेस्कटॉप पे रख लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, इसको थोड़ा हम लोग रीनेम कर देंगे। रीनेम आप लोग अगर नहीं भी करते हैं गाइस तो ऐसा कोई इशू होता नहीं है, बट मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। आप लोग विदाउट रीनेम भी अपलोड करके देख सकते हैं, अगर हो गया तो सही है, ठीक है। तो इस तरीके के यहाँ पे बेसिकली मैं 10 वर्ड फाइल एक्सपोर्ट कर लिया हूँ, क्रिएट कर लिया हूँ, ठीक है। अब हम लोग को बेसिकली क्या करना है कि वापस से हम लोग आ जाते हैं इस पे, ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या है कि सारा का सारा लॉक है। इसको हम लोग कंटिन्यू टू एक्सेस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। इस पे जैसे ही मैं कंटिन्यू टू एक्सेस पे क्लिक करूंगा और वापस से मैं एक बार यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे हमको आ जाता है कि आपको प्राइसिंग का जो भी हमारा एनुअली मंथली क्वार्टरली रहता है वो हमको यहाँ पे देने के लिए आ जाता है। नेक्स्ट आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है गाइस कि अपलोड योर स्टडी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। हम लोग बेसिकली यहां से हम लोग अपने ट्रिक को करने वाले हैं, इस पे मैं बेसिकली क्लिक कर दूंगा और कुछ इस तरीके से हम लोग क्या है कि डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देंगे। और यहाँ पे जैसे हमारा यहाँ पे 1 से था, ये हमारा 1, और फिर उसके बाद हम लोग अपलोड करेंगे फटाफट। तो ये हमारा 1 हो गया है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सो हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर देंगे अभी, और यहाँ पे हम लोग सारे में सेम ही अभी यूज कर देंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। सारे पे हम लोग अभी कोर्स, कोई भी कोर्स का नेम आप डाल करके यहाँ पे सिर्फ सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अभी हमारा सारा कुछ हो चुका है, अभी हमारा स्टेटस क्या है, प्रोसेसिंग पे है, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारा क्या होता है कि बहुत बार डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है, तो उन सारे चीज का हम लोग यहाँ पे वेट कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं 10 डॉक्यूमेंट अपलोड कर चुका हूँ, और अपलोड करना हम लोग 10 डॉक्यूमेंट इजिली हम लोग कैसे यहाँ पे ला रहे हैं तो आप लोग गाइस देख ही सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं फटाफट थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पहला एक्सेप्टेड हो चुका है, और यहाँ पे मेरा जो भी प्रोग्रेस बार है वो हमारे यहाँ पे। सो गाइस देख सकते हैं हमारे यहाँ पे सारा का सारा डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेबल हो चुका है, एक्सेप्टेड हो चुका है, और यहाँ पे हम लोग को अनलॉक करने का ऑप्शन भी मिल चुका है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे अनलॉक पे क्लिक करते हैं और देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे कोर्स मेरे को मिल रहा है या नहीं। तो गाइस देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ऑलराइट गाइस, तो देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा पेज जो भी हमारा था यहाँ पे, ठीक है, वो हमारा क्या है कि यहाँ पे मिल चुका है। और यहाँ पे हम लोग क्या है कि डॉक्यूमेंट वापस से कैसा है हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग डॉक्यूमेंट डाउनलोड भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बेसिकली मेरा यही एक्टिविटीज था, ठीक है। तो इसको हम लोग अभी देख सकते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग को मिल चुका है, और कुछ भी ऐसा ब्लर नहीं है, सारा हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो कम्प्लीटली यहाँ पे विजिबल है, देख सकते हैं गाइस, और काफी सही तरीके से हमको यहाँ पे देख, ठीक है। अभी इसको देख लेते हैं हम लोग कैसे डाउनलोड करेंगे। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे डाउनलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे हमारा सारा का सारा एक्टिविटी डाउनलोड हो चुका है। तो इसको हम लोग एक बार ओपन करके देख लेते हैं गाइस कैसा दिख रहा है, ये सही है हम लोग का गाइस, हर एक चीज हमारा डॉक्यूमेंट कम्प्लीटली यहाँ पे हम लोग को मिल चुका है। ऑलराइट गाइस, तो आज के वीडियो में इतना ही, और हम लोग इस वीडियो में देख चुके हैं गाइस कि कैसे हम लोग कोर्स हीरो का विदाउट प्रीमियम लिए हुए सारा कुछ प्रीमियम से जो भी प्रीमियम में हम लोग को एक्सेस मिलता है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, विजिबली हम लोग को सही तरीके से दिखता है हर एक चीज। सो गाइस अगर वीडियो आप लोग को भी हेल्पफुल लगता है तो हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो गाइस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।